हमारे पास एक प्रश्न आया हुआ है कि महाराज ये बतलाइए कि विवाह में सात फेरे होते हैं या हमसे कोई कह रहे थे कि चार होते हैं, तो देखिएगा। विवाह में मुख्य रूप से ये जो परिक्रमा लगती हैं या जिनको भामर कहते हैं, अन्य जगह पर और भी कुछ कहा जा सकता है नाम भेद से, तो ये भामरी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है ये चार ही है, ध्यान देना। विवाह में एक क्रिया होती है सप्तपदी, जो कि वर कन्या को और अग्रसर करता है कि आप हमारे साथ चलें, तो वो अनाज की ढेली रख दी जाती है, उस पर वर का जो है ये कर्तव्य है कि वो जो है कन्या के दाहिने कदम को प्रेरित करता है और एक एक ढेली पर रखवाता है और शास्त्र का एक एक वचन बोला जाता है, ये प्रक्रिया है। तो ये सप्तपदी है, इसमें दाहिना ही कदम रखा जाता है, दाहिना ही गिना जाता है और बायां उसके साथ फिर रख देती है, फिर दायां वो बर रखवाता है, फिर बाएं को आगे सरका देती है, फिर दायां रखा जाता है। तो दाएं सात कदम लिखा हुआ है, सात कदम यदि कोई व्यक्ति साथ चल ले वे तो वो मित्र हो जाता है। युधिष्ठिर जी ने भी, वो युधिष्ठिर जी के साथ में वो कुत्ता कुछ दूर चल लिया था तो उसको भी स्वर्ग में ले जाने का उन्होंने जो है वचन दिया कि भाई ये भी हमारे साथ आया है तो इसको भी जो है मिलना चाहिए। यद्यपि वो यमराज ही थे, परीक्षा ही ले रहे थे, तो वहाँ धर्म की परीक्षा थी कि कोई साथ चल लिया तो ये मित्रवत हो गया। तो ये मित्र बनाने के लिए ये सप्तपदी क्रिया होती है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, गृह सूत्र में ये वर्णित है। तो जो परिक्रमा होती है वो चार ही होती हैं, उनका मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों के प्रतीक के रूप में ये चार अग्नि की परिक्रमा वर वधु के साथ करता है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में नियम है कि वधु वर से किधर रहे, यानी पत्नी पति के किस किस कर्म में कहाँ होनी चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। शयने भोजने चैव पत्नी तूतरता भवेत, है ना, शयन में यानी ये विवाह इत्यादि में, पुत्रोत्पादन इत्यादि करने में, शयन करने में, सोने में पत्नी जो है बाएं होनी चाहिए, भोजन करने में भी पत्नी बाएं होनी चाहिए। यद्यपि सह भोजन निषिद्ध है, सह भोजन विवाह में यहाँ होता है, विवाह इत्यादि के लिए एक दिन के लिए छूट दी गई है उस समय, वहाँ चतुर्थी कर्म में विवाह इत्यादि जो होता है यहाँ, बाकी के फिर पत्नी को पति के साथ सह भोजन का अर्थ एक थाली का अर्थ नहीं है, विवाह में भी एक थाली नहीं, सह भोजन एक समय का, सह यहाँ अर्थ साथ, भोजन माने एक साथ, साथ माने एक समय में, अन्यथा पति को भोजन कराने के बाद ही पत्नी भोजन करे, साथ में नहीं करे। एक थाली में भोजन करना तो सर्वथा गर्हित निंदनीय है ही, पर एक समय में भी भोजन नहीं करना चाहिए, पति के करणोपरांत, भोजन करणोपरांत ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। लेकिन फिर यहां लिखा है सहने भोजने चाहिए, भोजन का अर्थ है जैसे कहीं कोई निमंत्रण करता है पति पत्नी का या किसी का, जोड़े से निमंत्रण कहीं होता है, कहीं जो है किसी किसी श्राद्ध में भी ऐसा विधान है, कहीं कहीं उत्सव में भी विधान है, कई कर्मों में बतलाया गया है कि सौभाग्यवती के साथ जो है ब्राह्मण का या ब्राह्मण सौभाग्यवती का दंपति का भोजन करवाए, तो वहां जब करवा रहे हैं तो पत्नी जो है उससे बाएं होनी चाहिए। सहने भोजने चाहिए पत्नी तो उत्तरता भवे, और सर्वेषु धर्म कार्येषु सर्वेषु धर्म कृत्येषु पत्नी दक्षिणता शोभा, समस्त धर्म कर्मों में पत्नी जो है दाहिनी ओर होनी चाहिए। और लिखा हुआ है कि यात्रायाम अग्रे, यदि यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं या कोई और जो है कार्य कर रहे हैं, चलने का कार्य कर रहे हैं आप यात्रा में, तो पत्नी को आगे रखना चाहिए। और युद्ध पृष्ठता, अगर कहीं लड़ाई हो जाए आप कहीं पत्नी के साथ जा रहे हैं तो आगे मत कर दे, हाँ वो सब पीछे लिखा हुआ, युद्ध पृष्ठता पीछे का विधान। तो ये जो पति पत्नी परिक्रमा कर रहे हैं, भामर कर रहे हैं, जो अग्नि की परिक्रमा कर रहे हैं, तो पत्नी को कहाँ रखना चाहिए, बोले आगे, आगे है तो साथ है,
ये साथ यही है कि अगर भोजन करने में बाई ओर है तो पत्नी साथ है, दाहिनी ओर आगे पीछे बैठी है तो आप सह भोजन नहीं माना जाएगा शास्त्र के अनुसार। और धर्म कृत्य में यदि वो दाएं है तो ही साथ है, वो बाएं बैठी है आगे पीछे बैठी है या वो कहीं मन से अलग वचन से अलग कर्म से अलग बैठी है तो साथ नहीं माना जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं कहां किसका साथ है तो वही उसका साथ है। तो परिक्रमा में अनुब्रजमन में चलने में जो है पति को पीछे करके पत्नी आगे करके चलनी चाहिए। तो ये तीन परिक्रमा लगती हैं धर्म की। तो धर्म जो है गृहस्थों का जो धर्म है वो पत्नी से ही संभव है, इसलिए धर्म रूप जो प्रथम परिक्रमा है उसमें भी पत्नी आगे रहती है, यानी कन्या आगे भर पीछे। और अर्थ अर्थोपार्जन भी जो है उसका संरक्षण करना इत्यादि गृह लक्ष्मी पत्नी को ही माना गया है। इस दृष्टि दूसरी परिक्रमा में भी कन्या आगे रहती है। और तीसरा जो पुरुषार्थ काम है, कामना की पूर्ति, वो काम पत्नी से ही संभव है। तो वो पुत्रादि की जो कामना है वो पत्नी से ही संभव है। तो इस तीसरे पुरुषार्थ के प्रतीक के रूप में होने वाली तीसरी परिक्रमा में भी कन्या आगे ही रहती है। और चौथा पुरुषार्थ जो है मोक्ष है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है इसमें तो भाई अपना अपना जो है अधिकारी व्यक्ति स्वयं है, वो कोई साथ का नहीं है कि मोक्ष के अधिकारी भी हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों साथ साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। धर्मानुरागो गच्छति जीव एक, वहां तो एक जीव ही जाता है अपना अकेला, जो जस करे सो तस फल चाखा। यदि पत्नी जो है सच्चरित्रा है तो वो स्वर्ग में जाएगी और पत्नी मोक्ष की अधिकारी बनेगी, वो मोक्ष की अधिकारिणी हो जाएगी। और यदि पति जो है सच्चरित्र है और पत्नी कुलटा है तो पति जाएगा भाई, तो वो पत्नी नहीं जाएगी, वहां तो एक का अधिकार है। हाँ, शास्त्रों में एक बात और बतलाई गई है, वो यहां और समझ लीजिएगा कि ये बतलाया गया है कि यदि कोई शास्त्र में इतने इतने नियम है, देखिए कि अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत ब्रह्मांडों में अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के अनंतानंत कर्म है, उनके फलों के स्वरूप जीव अनंतानंत वर्षों से कल्पों से अनंतानंत लोकों में भ्रमण कर रहा है। कोई निश्चित नहीं है कहां कौन कब और कैसे जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। वो कर्म कब किसका किसको कौन सा फल देना है ये केवल प्रभु श्री हरि ही जानते हैं। परंतु इतने इतने ब्रह्मांडों में रहने वाले अनंतानंत जीवों के अनंतानंत जन्मों के जो कर्म हैं उनको भी कुंठित करके यदि कोई पतिव्रता स्त्री है और वो ये चाहती है कि अगले जन्म में मुझे ये ही पति प्राप्त हो, तो वो ही पति उसको सर्व बाधा समस्त नियमों को कुंठित करके वो ही पति उसी को प्राप्त होगा। ये शास्त्र का नियम है। यदि वो पतिपरायणा पतिव्रता है, यदि कोई यूं चाहे कि चाहे खूब रूपवती है, सुंदरी है, खूब जो है उसका मान सम्मान है, लोग उसका जो है सम्मान करते हैं, लोग जानते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने अपना दिल और दीन किसी दूसरे को दे रखा है, तो ऐसी चाहे ब्राह्मणी छत्रानी रानी सेठानी महारानी कोई भी है, वो जो है शास्त्र के अनुसार जो प्रशस्ता नहीं है, श्रेष्ठा नहीं है। चाहे वो ऐसी रानी महारानी सेठानी से ज्यादा प्रशस्त वो मेहतरानी है, यदि वो अपने पति परायणा है, सच्चरित्रा है, पतिव्रता है, तो शास्त्र उसी को श्रेष्ठा और ज्येष्ठा बतलाते हैं जो केवल पति परायणा है, पतिव्रता है, शास्त्र अनुसार सच्चरित्रा है। तो ऐसी किसी भी जाति देश में रहने वाली महिला को, पतिव्रता को, वही पति उसी को प्राप्त होगा, समस्त नियमों को बाधित करके। सामान्य रूप से यह है कि भाई वो अपने नियम के अनुसार वो अपने जीव अपने कर्म में लगता है, वो अपने जन्मों में जाता है, न जाने कौन से जन्म में कौन से माता पिता, कौन से वो ही पिता है, वो पुत्र हो गए, पुत्र है वो माता पिता हो गए, वो पति है वो जो है स्त्री बन गया है, स्त्री है वो पति बन जाए, कौन से किस लोक में चले जाए, कोई पता नहीं। इसलिए चतुर्थ जो परिक्रमा है मोक्ष रूपा, उसमें केवल सब जीव अकेले हैं, इसलिए पुरुष आगे चलता है और कन्या पीछे चलती है।
ये चतुर्थ परिक्रमा है। इन्हीं चारों परिक्रमाओं के जो है शास्त्रों में विधान है कि ये चार परिक्रमा कैसे लगाई जाए, अश्वारोहण पूर्वक, गाथा गान पूर्वक, सांगुष्ट पाणि ग्रहण पूर्वक, पत्नी और वो लाजा होम पूर्वक, ये कृत्य करते हुए और अग्नि की ये परिक्रमा लगाई जाती है और अग्नि को साक्षी मान करके उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये शास्त्रों में गृह सूत्र में हमारा जो गृह सूत्र है पारस्कर गृह सूत्र, तो इसमें गोभिल आदि गृह सूत्र में और भी बहुधायन गृह सूत्र में समस्त गृह सूत्रों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि सात परिक्रमा का विधान हो, चार ही परिक्रमा लगती हैं। ये तो सीरियल वालों ने, आजकल लोग ग्रंथों से नहीं सीखते, आचार्यों से नहीं सीखते, गुरुओं से नहीं सीखते, ग्रंथों से नहीं सीखते, वो सीखते हैं गूगल से, वो सीखते हैं टीवी से, वो सीखते हैं सीरियलों से। तो ये सब अधःपतन का कारण है। वो लोग जैसा करते हैं, उन्होंने बना दिया साईं को गुरु, साईं को महात्मा बना दिया, तो लोग साईं बाबा पूजने लगे, सीरियलों में आ गया, सीरियलों में आ गया कि भाई जो है ये संतोषी माता हैं, तो संतोषी माता सीरियलों ने बना करके तैयार कर दी, लोग संतोषी माता पूजने लगे। सीरियलों में आने लग गया कि साहब ऐसे विवाह होते हैं, वैसे करने लगे, सात परिक्रमा होती हैं, सात करने लगे। तो जो सीरियल करे वो सब तुम्हें करना है, तुम्हें पढ़ना लिखना तो समझना तो है नहीं, तो जो मन मन आए सो सब कर रहे हैं। कोई कन्यादान करे, कोई न करे, कोई कहो जो करे सो करे, कोई जैसे करे वैसे करे, तो ये तो सब ऐसे ही है, ये सब अधःपतन के कारण है। इसलिए मुख्य रूप से बात यही है कि अपने शास्त्रों में निष्ठा जिसकी होगी, शास्त्र में, आचार्यों में, गुरुओं में, सदग्रंथों में जिसकी निष्ठा है, ईश्वर में निष्ठा है, तो वे ही कल्याण के भाजन बनते हैं। तो ये जो हमारे संस्कार हैं, वे संस्कार अपने अपने शाखा के गृह सूत्र के अनुसार ही होने चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। आजकल जो भी संस्कार हो रहे, यद्यपि संस्कार हो नहीं रहे, संस्कार के नाम पर दो संस्कार हो रहे हैं। क्या क्या संस्कार हो रहे हैं? एक तो विवाह होता है, तब तक तो कोई संस्कार होता ही नहीं है, विवाह नहीं करेंगे तो वो किसी को पकड़ लाएगा बेटा, इसलिए अथवा काम सुख के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए ये संस्कार हो रहा, वो भी शास्त्र विधि से नहीं। और दूसरा एक होता है अंतिम संस्कार, भाई जो कोई मर गया तो उसको ठिकाने तो लगाना ही, तो इसलिए ये हो जाता है, बाकी के और कोई संस्कार हो नहीं रहे, ये भी मन माने ढंग से अविधि पूर्वक हो रहे हैं। तो ये तो अकरण बत ही है कि ये न किए एक बराबर हैं। इसलिए जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, सज्जन हैं, वे अपने अपने जो है गृह सूत्र के अनुसार अपने अपने कर्मों को करें, इसी में हम सबका हित है और इसी में हम सबकी भलाई है। अन्यथा देखें आप विवाह में देखिएगा, एक आजकल की आप सब जानते ही होंगे क्या स्थिति है, खूब भंडारा हो रहा है, खूब कार्य हो रहा है, खूब पैसा खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है, अगर धर्म के कार्य के लिए कह दो तो लोग गरीब हैं, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है धर्म के नाम पर, और वैसे गुजारने के लिए अरे हम किससे कम है, हमारे में भी होगा, जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, गरीब लोग भी अपनी सामर्थ्य नहीं है तब भी वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी वैसा खर्चा कर रहे हैं। तो परंतु बहुत खर्चे होंगे, बहुत कार्य होगा, बहुत समय की जो है बर्बादी होगी, लेकिन जो कार्य हो रहा है वही नहीं होगा। भाई क्या हो रहा है कि विवाह हो रहा, तो विवाह में विवाह ही नहीं होगा, विवाह ही नहीं पढ़ा जाएगा, विवाह की विधि नहीं होगी, बाकी और सब कार्य होंगे, अंग उपांग उपोपांग कर्म सब होंगे, परंतु जो है विवाह नहीं होगा। तो जिस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म पहले पूर्ण रूप से हो जाए, फिर उसके बाद अंग उपांग खूब होने चाहिए। तो ये स्थिति है, इसको आप समझ ही गए होंगे कि विवाह में मुख्य रूप से चार ही परिक्रमा भामर लगनी चाहिए, सात नहीं, सात अशास्त्रीय हैं। हो सकता है कि आपको हमारी बात जो है नहीं पचे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं शास्त्र, आपने देखे जिनके ऊपर आदमी जो देखता सुनता है, करता देखता है, उन्हीं में निष्ठा हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं है कि उस निष्ठा को दृढ़ बना ले। निष्ठा का आस्पद केवल वेद और शास्त्र ही है। श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा वेद गुरु वाक्येषु आस्था, श्रद्धा वेद में और आचार्यों के वचनों में जो निष्ठा होती है वही आस्था ही श्रद्धा है। श्रद्धा कोई उत्पादन करने का विषय नहीं है कि हमारी उनमें श्रद्धा है, भाई हम क्या करें हमारी उनमें श्रद्धा है, उनमें श्रद्धा वो श्रद्धा ही नहीं है। श्रद्धा क्या है? केवल वेद वाक्यों में, आचार्य वाक्यों में निष्ठा ही श्रद्धा है,
और कोई श्रद्धा है ही नहीं, वो तो सब अश्रद्धा ही है, वो तो अधापतन करने का एक जो है कारण है। इसलिए शास्त्रों में निष्ठा हो, अपने कर्तव्य में निष्ठा हो, और फिर आप उसको करने की जो है कोशिश करिएगा, तो ये सब होगा, सब संभव होता है। योग्य आचार्य को बुला करके आप ऐसा कराएंगे तो सब संभव हो जाएगा। ठीक है जी, हर हर महादेव। तीन परिक्रमा देवा की बताएगी।